त्रिपुरा में शनिवार को धूमधाम से रथ यात्रा निकाली गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने इस्कॉन में आयोजित रथ यात्रा में हिस्सा लेते हुए रथ यात्रा का शुभारंभ किया। रथ यात्रा में जनजातीय लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि त्रिपुरा एक ऐसा राज्य बनेगा जो न केवल अपने लोगों को रोजगार देगा बल्कि बाहर से आए लोगों को भी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह जगन्नाथ धाम से कोई भी भक्त खाली पेट वापस नहीं लौटता, वैसे ही कोई भी नौकरी के बिना त्रिपुरा से वापस नहीं जाएगा। शून्य घाटे का बजट बनाने वाला त्रिपुरा पूर्वोत्तर का पहला राज्य है। त्रिपुरा सरकार ने गरीबों को 20 किलो चावल मुफ्त देने की घोषणा की है। आज के जो सरकार हुए छे, से सरकार चाहे पूरी ते जगन्नाथ धाम प्रत्येक के जन्य अन्न वस्त्र बासस्थान व्यवस्था अपने आप से जाबेन, खावार व्यवस्था थाकार व्यवस्था आछे। सरकारेर दायित्व जे प्रत्येक व्यक्ति के खावा थाका বাসস্থানের ব্যবস্থা করে, আর সেই দিশাতেই সরকার কাজ করছে। জগন্নাথের আশীর্বাদে নিশ্চিত আমরা সেই দিশাতে যাচ্ছি। আর যা যা ভিজন ডকুমেন্টসে বলেছি প্রত্যেকটি এই রাজ্যে করা হবে। সেভেন পে কমিশনের কথা বলেছি, এখানে বড় মাত্রায়, আমি জানি আমার বনমালীপুরে বড় মাত্রায় এমপ্লয়ি আছে, যেই জায়গাটাতে পয়সা লাগবে সেটাই তো সেভেন পে কমিশন। বাকিগুলোকে আমরা বলেছি যে 2000 টাকা করে যারা বেনিফিশিয়ারি আছে ভাতা পা তাদেরকেও করবো, সময় তো আছে, একটা একটা করে দিন না, আমার কাছে তো কিছু দিয়ে যায়নি। কারোর কাছ থেকে লোন নেওয়ার পর তো পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ে সবকিছু নিয়ে রাস্তা বন্ধ করে রেখে দিয়েছে, তারপরেও তো সাহস করে একটা জিরো ডেপ্রিসিয়েট বাজেট তৈরি করেছি নিজের পায়ে নিজে দাঁড় করানোর জন্য। ত্রিপুরাকে যতক্ষণ পর্যন্ত ফাইন্যান্স কমিশনকে দেখাবো না যে আমরা নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে চাইছি, তখনই তো মা এসে হাত ধরে, যখন শিশু নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে চায় তখন এসে মা হাত ধরে যে তারা এসে দাঁড়িয়ে। सिक्किम के नाथुला रूट से कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए गया भारतीय यात्रियों का तीसरा जत्था सकुशल गंगटोक लौट आया है। इस जत्थे में 35 लोग शामिल थे। यात्रियों के सकुशल लौटने पर गंगटोक के एक स्थानीय होटल में उनका भव्य स्वागत किया गया। ये यात्री सफलतापूर्वक कैलाश पर्वत की यात्रा कर शुक्रवार को सिक्किम की राजधानी गंगटोक पहुँचे। यात्रियों ने यात्रा की व्यवस्था पर संतुष्टि जताई, हालांकि चीन की तरफ से खाने पीने और अन्य सुविधाओं से वे असंतुष्ट नजर आए। उन्होंने सरकार से अपनी शिकायतों पर ध्यान देने की अपील की है। साथ ही ऊंचाई पर जाने से बीमार पड़ने वाले लोगों के लिए विशेष क्लास के गठन की अपील की है। ये रूट बहुत ही अच्छा है, और यदि इस रूट में कुछ इकोनॉमिकली कुछ कम कर दिया जाए तो हमारे ख्याल से यहाँ से और भी ज्यादा यात्री जाने लगेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सुविधाजनक, आरामदायक और परेशानी रहित है। बहुत अच्छा मेरा अनुभव रहा। मैं पिछले साल भी आई थी लेकिन यात्रा नहीं हो पाई थी मेरी। इस साल भोले बाबा ने मेरी सुनी और यात्रा मेरी पूर्ण हुई। नहीं, भारत सरकार की तरफ से तो कोई कमियां ही नहीं है, कोई कमी नहीं है। चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी कमियां लगे, मेन दे नीड टू इम्प्रूव देयर टॉयलेट्स। भारत सरकार की तरफ से तो ये बहुत अच्छा प्रयास है, कुछ खास कमी इसमें, छोटी मोटी दिक्कतें तो यात्रा के समय होती हैं, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है। एक और बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अंबासा पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के जेवलचेरा इलाके में एक मारुति कार से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्रियां जब्त की है। त्रिपुरा को ड्रग्स मुक्त करने की मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव की घोषणा के बाद तत्पर हो उठी राज्य की पुलिस ने ड्रग्स व्यवसाय पर पैनी नजर रखी है। ओसी हिमाद्र सरकार के नेतृत्व में अंबासा पुलिस ने बड़ी मात्रा में कफ सिरप के साथ एक मारुति कार को जब्त किया। हालांकि पुलिस कार के चालक को पकड़ने में नाकाम रही। कार से कफ सिरप के 1109 बोतल जब्त किए गए हैं। आज के सकाल बेला हमारे नॉर्मल रूटीन चेकअप के समय আমরা একটা নাম্বারলেস গাড়ি কে টেম্পোরারি নাম্বার লেখা ছিল সেই গাড়িটাকে আমরা তারা করানোর জন্য সাইন দেই, সেটা না থেমে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। তখন আমরা এটাকে চেস করে সেই গাড়িটাকে জিওলছড়া এলাকায় ধরি, সার্চিং করে গাড়িটার মধ্যে থেকে 1190 বোতল এসকাফ কফ সিরাপ আমরা গাড়িটা থেকে উদ্ধার করি, এবং গাড়ির ড্রাইভার মিঠুন সরকার তাকে আমরা